नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। देश इंतजार कर रहा था, आज तो कोई बोलेगा। प्रधानमंत्री बोलेंगे, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बोलेंगी, वित्त मंत्री बोलेंगे, सबने अपनी अपनी जगह कहा कुछ, लेकिन देश जिस बात को सुनना चाहता था नहीं कहा गया। तीन तस्वीरें स्क्रीन पर देखिए, समझ जाइएगा। आज तीन कार्यक्रम अलग अलग थे। नरेंद्र मोदी एक किताब के विमोचन में पहुंचे, वहां उन्होंने भाषण दिया। दक्षिणी दिल्ली में अरुण जेटली पहुंचे, नगर निगम का मसला था, वहां उन्होंने भाषण दिया। और कार से सुषमा स्वराज निकली, दफ्तर गई, लौट आई। ज्ञान प्रकाश पथ देता है। शायद जितना काम दिल्ली की नगर निगम करती है और जितनी जिम्मेवारी उसकी है, देश में बहुत कम नगर निगमों की है। ये तीन तस्वीरें इसलिए दिखाने जरूरत थी क्योंकि बीते 24 घंटों से लंदन से लेकर दिल्ली तक इस बात को लेकर हंगामा है कि क्या वाकई जिसे नोटिस दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग फेमा में जो शख्स फंसा हुआ है, उसके प्रति सहानुभूति किस दायरे में आती है, और जो जिक्र वित्त मंत्रालय के भीतर से होना चाहिए था वो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। इस देश के भीतर पॉलिटिकल ड्रामा अलग अलग तरीके से चलते रहा है, लेकिन उस पॉलिटिकल ड्रामे के असर देश के भीतर क्या होता है, आइए आज इसे भी टटोल कर देख लिया जाए, क्योंकि ये एक अद्भुत फिल्म है, या कहें एक ऐसी पिक्चर इस देश के भीतर की बन चुकी है, जिसमें बार बार एक सवाल हर जहन में आता है कि क्या हर दिशा में ये कहा जाए कि अभी और इंतजार करना होगा, कुछ और बाकी है। शुरुआत आज करते हैं, इस देश के भीतर बड़ा हंगामा है बीमा को लेकर। हम आएंगे दरअसल उस खबर पर जिसका जिक्र हमने किया है, जिस पर सब कोई मौन है, लेकिन उससे पहले बात उन किसानों की जिनके एवज में मिलता है एक एकड़ की फसल बर्बाद हो जाए 125 रुपया। कल्पना के परे है, लेकिन यह सच है उस राज्य में जहां का सीएम खुद को किसान कहता है। एक एकड़ जमीन 1.28 रुपए, 125 एकड़ जमीन 2.28 रुपए, 2 एकड़ जमीन 2.98 रुपए, 5 एकड़ जमीन 8.12 रुपए। यह है मध्य प्रदेश के हरदा में बर्बाद फसल के बदले किसानों को फसल बीमा के जरिए मिली राशि। जी, यानी 15,000 की फसल बर्बाद हुई तो मिले 1.28 रुपए, और 75,000 रुपए की फसल बर्बाद हो गई तो बीमा राशि के तौर पर मिले 8.12 रुपए। यानी जो किसान जिंदगी खपा देता है और उसकी पीढ़ियां लगातार अन्न उपजाते हुए देश का पेट भरती हैं, उसकी फसल बर्बादी हुई तो सरकार ने उसकी हथेली में पैसा नहीं रखा बल्कि सुई चुभो दी, और ये राशि भी 2 साल बाद मिली है। पहले 3,000 मिला था। अच्छा, और अब बीमा कितना मिला है? आप बताए 1 रुपया कुछ ऊपर। 1.28 रुपया? हाँ, 28 गज के 29 गज के 30 गज। 2.98 रुपए मिला है, और 2 एकड़ जमीन में मेरे को इस प्रकार का बीमा मिला है, तो मेरा क्या होगा? मतलब मैं मजदूर किसान, ये बीमा को किस प्रकार से दिया है? ये हमारे फसल नष्ट भी हुई, मतलब गार अवले गिरे, इसके लिए मैं सरकार से कुछ भी मांग के उम्मीद रखता हूँ, पर सरकार ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। दरअसल राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत साल 2013-14 में ओलावृष्टि और बारिश के कारण खराब हुई गेहूं की फसल के लिए जिले में 14,000 किसानों के लिए फसल बीमा कंपनी ने तकरीबन 7 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, और इसी 7 करोड़ में गहाल गांव के 128 किसानों को 1 रुपए से लेकर 142 रुपए तक की बीमा राशि मिली। कहाँ रहते हो? गहाल। तुमको बीमा के पैसे कितना मिला? 2.28 रुपए। और कितनी जमीन है? क्या जमीन? 125 एकड़। लेकिन किसान की उम्मीद पर अंधेरा उस राज्य में छाया है जिस राज्य के सीएम खुद को किसान मानते हैं, और नरेंद्र मोदी ने भी पीएम बनते ही सबसे पहले जिसके मर्म को छुआ वो किसान ही था। लेकिन अब ये हाल है तो नौकरशाही राज्य की जागी है और कह रही है हम जांच करेंगे। इसमें मैंने कहा कि पहले हम जांच कर लेते हैं किस फॉर्मूले से कैलकुलेशन हुआ है, हो सकता है कुछ अर्थमेटिक गलती भी हो, तो एक बार वहां से ऑफिशियल वर्जन आ जाए उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। यानी जांच शुरू हो गई तो जो रुपया बंट रहा है वह अभी रुक चुका है। लोमेश कुमार सिन्हा, हरदा, आज तक। यह दरअसल इस देश के भीतर की नाक खत्म होने वाली पिक्चर इसलिए है क्योंकि पिछले हफ्ते हमने जब रिपोर्ट दिखाई दी थी सोचा था
उस समय मुआवजे की रकम के तौर पर 15 रुपये मिले थे, तो हमें लगा था शायद ये सबसे कम होगा। लेकिन किसे पता था 1 रुपया 28 पैसे, दिल्ली में तो भिखारी भी रुपया ना ले। लेकिन इन सब के बीच स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, शायद इसीलिए हमें लगता है वो सारी तस्वीर हमने मिला दी कि और लिखना पड़ा कि पिक्चर अभी इस देश के भीतर की बाकी है। क्योंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा एक सतना भी है, जहां पर 1, 2, 3, 50 नहीं 52 क्विंटल धान सड़ के खत्म, 52,000 क्विंटल वहां पर खत्म हो गया। अब वहां पर जो कृषि मंत्री हैं वो कहते हैं अरे इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो खाद्य आपूर्ति मंत्रालय जाने, और जो घटना हरदा में हुई उसको लेकर उनको जानकारी ही नहीं थी। जरा देखिए और सुनिए भी। धान में 52,000 मीट्रिक टन 3 साल से रखी है मार्केट की, और नागरिक आपूर्ति निगम की खरीदी हुई धान है, और उसको उठाने के लिए हमारे मंडी के जो MD मंडी ने भी उनको लिखा कि आप इसको उठवाएं, अब वो उठाने का परम प्रबंधन वो कर रहे हैं। मगर वो तो उग गई है सर, सड़ गई है पूरी, उसका नुकसान संबंधित खरीदी एजेंसी को होगा। नुकसान खरीदी एजेंसी को होगा, फिक्र को धुएं में उड़ाने की स्थिति के भीतर सरकारें ऐसी भी चलती हैं। लेकिन सवाल दोबारा लौटिए उस स्थिति में जिसको लेकर देश के भीतर लगातार बवाल है कि क्या वाकई विदेश मंत्री को इस्तीफा इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे शख्स को लेकर सहूलियत देने का जिक्र कर दिया जो आरोपी है, जिसके ऊपर नोटिस है, और कुछ देर पहले ED की तरफ से यह कहा गया है कि 1700 करोड़ का नया नोटिस भेज रहे हैं पेनल्टी के तौर पर क्योंकि 16 फेमस जुड़े मसले हैं। बहरहाल राहुल गांधी कोरबा में आदिवासियों के बीच किसानों का जिक्र करते करते इस बात का जिक्र कर गए, देखिए किस सरकार को किसकी फिक्र है, ये आज खुलकर सामने आ गया। इट इज नॉट सुषमा स्वराज यू शुड ओनली रिजाइन, मिस्टर मोदी शुड सैक सुषमा स्वराज बिकॉज मिस्टर मोदी हैज सेड दैट ही इज द प्रोटेक्टर, ही इज द पर्सन हु इज गेटिंग ब्लैक मनी फ्रॉम आउटसाइड। मिस्टर ललित मोदी इज ए सिंबल ऑफ ब्लैक मनी आउटसाइड एंड नाउ मिस्टर मोदी थ्रू मिस्टर सुषमा स्वराज इज प्रोटेक्टिंग हिम, व्हाट इज दिस? मिस्टर मोदी इज स्टैंडिंग बिहाइंड मिस्टर मोदी हु इज सुषमा स्वराज। Sushma Swaraj is a minor minister in the government. It means nothing in this government. There is only one man who is running this country and this government. That is Mr. Narendra Modi. निगाहों में मोदी हैं और निशाने पर मोदी हैं। विपक्ष ही नहीं राहुल गांधी के भी तेवर अब बहुत खुल के आ रहे हैं। गवाने के लिए कुछ है नहीं और पाना है तो अब निशाने पर लेना होगा। लेकिन सवाल इसके आगे का है, बीजेपी के भीतर, सरकार के भीतर और बीजेपी शासित राज्यों के CM इस पूरे मुद्दे पर कैसे कैसे किस किस तरीके के तर्क गढ़ते नजर आए आज, यह सुनिए जरा। कार के शीशे से ही आज सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने खुद को देखा, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जी, दोनों कुछ नहीं बोले, मीडिया को देखते रहे लेकिन बोला कोई नहीं, खामोश रहे दोनों। वित्त मंत्री कार से जमीन पर जब उतरे तो पत्रकारों ने पीछे से सवाल भी दागे, लेकिन खामोश वित्त मंत्री जेटली ने दक्षिणी दिल्ली में चलती फिरती डिस्पेंसरी की गाड़ी को हरी झंडी दिखाई, कुछ भाषण दिया और फिर चल पड़े। वहीं सुषमा स्वराज गाड़ी से उतरी ही नहीं, युवा कांग्रेसियों के नारे को सुना, जलते पुतले को देखा, सुरक्षा घेरे में चल पड़ी लेकिन बोली कुछ नहीं। तो इस्तीफे के हंगामे के बीच कल तक मानवीयता के आधार पर पार्टी और सरकार सुषमा के साथ खड़ी थी, लेकिन आज सुषमा का साथ अपनों पर निशाना साधकर बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने सुबह ही दे दिया, ट्वीट कर संकेत दिया कि आस्तीन के सांप ने ही सुषमा स्वराज को फंसाया, तो शक हर निगाहों में चढ़ गया। सांसद, मंत्री, CM, हर किसी ने निकलकर अपने अपने तर्क से कीर्ति आजाद के सवाल को दबाना शुरू किया। पत्रकारों ने सवाल जरूर पूछे लेकिन किसी ने इस सवाल पर कुछ भी नहीं कहा, हर किसी ने सिर्फ यही कहा या हर किसी ने सिर्फ कुछ यूं तर्क गढ़े जिससे लगे यही कि सुषमा स्वराज पाक साफ है। संसदीय राज्य मंत्री रूड़ी ने सुषमा के हक में कुछ यूं तर्क गढ़ा कि पूरे मानवीय आधार पर उन्होंने उसमें मदद किया था, और एक प्रकार से अगर ये गलती हुई है तो कहीं ना कहीं जिसको मदद किया गया उसने धोखा दिया है। तो दिल्ली से चुनी गई बीजेपी सांसद लेखी ने अपराध पर आंख मूंद कर ललित मोदी के भारतीय होने पर गर्व किया। किसी भी भारतीय नागरिक के पास यह अधिकार है और वो देश का कानून है, अनलेस उसको कानून के मुताबिक रोका जाए। तो 3 मंत्रालय संभालने वाले टूरिज्म मंत्री झटके में अपने पेशे डॉक्टरी पर आ गए और महेश शर्मा लगे बताने कि डॉक्टर मरीज में भेदभाव नहीं करता,
मेरे यहाँ कोई क्रिमिनल आता है, क्या ऑपरेशन के लिए आता है? मैं कहूँगा आप क्रिमिनल है, मैं आपका ऑपरेशन नहीं करूँगा। आपने 50 मर्डर कर चुके हैं, क्या मैं आपका इलाज नहीं करूँगा? क्या मैं आपको मदद नहीं दूंगा? आखिरकार ये बात करना कहाँ का? कुष्मा के साथ लेकिन जो सवाल कीर्ति आजाद ने उठाया उस पर कोई कुछ नहीं बोला, जबकि पूछा हर किसी से गया, और कोई बोला तो वो पटना से बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा निकले, जिन्होंने आस्तीन के सांप पर कुछ नहीं कहा लेकिन कीर्ति आजाद की समझ की तारीफ कर दी। और कीर्ति आजाद जनरली जो बातें करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, समझदारी के साथ करते हैं। तो क्या आस्तीन का सांप कोई तो है, क्योंकि तारीफ की गई और इसी शब्द ने बीजेपी के भीतर की खामोशी को शब्द दे दिए, और सवाल उठने लगे, क्या सुषमा स्वराज का कच्चा चिट्ठा किसी ने जानबूझकर निकाला? क्या सुषमा पर भी दाग लग जाए या किसी के हित में है? क्या सरकार के भीतर आपसी टकराव चल रहा है? क्या पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है? ये ऐसे सवाल थे जिनको लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सुषमा को लेकर हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया जरूर दे दी। लेकिन फिर भी वित्त मंत्री खामोशी रहे, और संयोग ऐसा कि वित्त मंत्रालय के अधीन ही ललित मोदी के तमाम कच्चे चिट्ठे की जांच हो रही है। बावजूद इसके वित्त मंत्री खामोश रहे, सुषमा स्वराज भी आज खामोश रही, और आज प्रधानमंत्री भी एक सभा के लिए निकले लेकिन इस मुद्दे पर खामोशी रहे। खामोश कोई रहता नहीं है, आरोप लगते थे मनमोहन सिंह पे कि ये मौन क्यों बरते हैं, ये सारे सवाल थे। लेकिन इन सब सवालों के बीच किसे पता है कि एक ही पार्टी एक ही सरकार के भीतर अब अंदर में लड़ाई होना हो लेकिन बाहर भी चाहने और नहीं चाहने वालों के भीतर भी लड़ाई है। मसलन जनता परिवार, देखिए किसका क्या रुख सुषमा स्वराज को लेकर, सोचने की बात है यह वाकई कि तीनों तीन दिशा में क्यों जा रहे हैं, ये नजरिया है। दरअसल लड़ाई हर कोई मोदी से लड़ रहे हैं, और मोदी से लड़ते लड़ते सुषमा उन्हें विकल्प के तौर पर हर किसी को नजर आ रही है। शिवसेना तक ने यहां तक कहा कि दरअसल सुषमा स्वराज को फंसाया जा रहा है, कौन फंसा रहा है कैसे फंसा रहा है, लेकिन यह भी कहा एक बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन इन सबके बीच आज एक तस्वीर कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई। माननीय भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और कानून के भगोड़े ललित मोदी का क्या रिश्ता है, क्योंकि चित्र भी एक कहानी कहते हैं, और ये फोटो प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ली गई। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे। ललित मोदी आईपीएल के चेयरमैन थे। उस समय उन पर कोई केस नहीं था, आरोप नहीं था। मैच अहमदाबाद में हो रही थी। मैच देखने के लिए वीआईपी स्टेडियम में सारे वीआईपी थे और उसका पद के अनुसार सब लोग बैठे थे, और उसका फोटो दिखाकर कांग्रेस क्या बताना चाहती है? जैसे मैंने कहा, ये तो उनके दिवालियापन और कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। कहते हैं सियासत परसेप्शन या साख पर चलती है, और वो अगर डामाडोल हो तो फिर जनता के भीतर एक सवाल उठते हैं, और उस सवाल को विपक्ष हमेशा भुनाना चाहता है। दूसरी तरफ विपक्ष की कोई अहमियत नहीं रहती अगर उसकी साख ना हो। ये सारे सवाल हैं, और सियासत में इन सब के बीच एक तरफ अगर एक तस्वीर को लेकर झगड़ा तो दूसरी तरफ ट्वीट निकल कर आया, कीर्ति आजाद का ट्वीट। सुबह उन्होंने कहा आस्तीन का सांप, और अब से कुछ देर पहले आईपीएल के पीछे कौन, ये सवाल उन्होंने करते हुए हैशटैग उसमें लगा दिया अरुण जेटली के नाम, और इस बात का जिक्र किया कि कौन ले गया था आईपीएल को साउथ अफ्रीका जबकि ईडी की जांच चल रही थी। ये सारे सवाल कई सवालों को खड़ा करते, और इन सब के बीच ललित मोदी के वकील आज सामने आए, बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे तर्क गढ़े भी गए, लेकिन बात मर्म उस जगह पे थी कि ललित मोदी को मुश्किल तब हुई जब शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर का मसला सामने आया। लूपीए सरकार ललित मोदी के पीछे हाथ धो के इसलिए पड़ी थी कि लूपीए सरकार के एक बड़े मंत्री शशि थरूर जी, जो बहुत चहेते मंत्री थे, उनको खा गए थे ललित मोदी, और उनके पूरे भंडे उन्हीं ने खोल दिए थे। उस दिन के बाद से ललित मोदी इसी होटल में रहते थे, वो इसी होटल में रहते थे। किस तरह उनको परेशान किया गया? शुरुआत हमने की इसी जगह से शुरुआत की कि दरअसल पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन ये किसे पता था कि सारी चीज़ बदलते बदलते एक ऐसी जगह चली जाएगी जहां इस देश की फिल्म इंस्टीट्यूट हर घर में और देश के भीतर तो फिल्म रगों में दौड़ती है, वहां पर भी भगवाकरण शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए।
इन तस्वीरों में एक ही अंतर है, या कहें एक ही समानता है। समानता यह कि ये सभी चेहरे देश के नामी फिल्म इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं। पहली तस्वीर मौजूदा वक्त में फिल्म इंस्टीट्यूट को संभाले हुए 5 लोगों की है, तो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें वह तस्वीरें हैं जो इससे पहले FTII को संभाले हुए। लेकिन अंतर यह है कि पहले जिन चेहरों ने फिल्म इंस्टीट्यूट को में सिखाया पढ़ाया वो नामी गिरामी रहे और अपने हुनर और समझ से उन्होंने जगह बनाई, जगह पाई। लेकिन ये 5 तस्वीरें मौजूदा वक्त में फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों को सिखाने के लिए नियुक्त किए गए। लेकिन इन 5 की खासियत यही है कि सभी BJP या संघ परिवार से जुड़े हैं। तो सवाल 2 है। पहला, क्या पद पाने के लिए अब हुनर नहीं सत्ताधारियों से संबंध होना चाहिए? और दूसरा, क्या फिल्म इंस्टीट्यूट का भी भगवाकरण किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलकर सिल्वर स्क्रीन पर छा जाने वाले कलाकारों की एक ऐसी कतार रही है जिसने राजनीतिक विचारों को तो फिल्म अदाकारी से जिया लेकिन कभी राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं बने। हम बड़े हुए, राज किया है हमने यहाँ, और एक दिन बिला वजह भेड़ बकरियों की तरह खदेड़ दिए गए हम लोग यहाँ से। याद कीजिए पाकिस्तान के आतंक की घुसपैठ पर बनी फिल्म सरफरोश में नसरुद्दीन की अदाकारी, किसी से उसका सब कुछ सिर्फ, और याद कीजिए गुजरात दंगों की थीम पर बनी फिल्म देव में ओमपुरी की अदाकारी। हम अपने अरमान की याद को मिटा दें अपने जहन से, जैसे वो कभी था ही नहीं, ऐसे ही भूल जाएं हम अपने बच्चे को, उस 8 साल के बच्चे को उन्होंने आइडेंटिफाई करके मारा था। अब इस तरह की अदाकारी करने वाले छात्र फिल्म इंस्टीट्यूट से कैसे निकलेंगे जब चेयरमैन के पद पर गजेंद्र चौहान होंगे जिन्हें राजनीतिक पहचान महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर की भूमिका निभाने पर मिली और राजनीतिक मेहनत की एवज में फिल्म इंस्टीट्यूट के चेयरमैन बना दिए गए। बीते 22 बरस से BJP के सदस्य हैं और हर चुनाव में BJP का प्रचार करते भी दिखे। वहीं अनाधा धमासे खुद संघ प्रचारक रही और नानाजी देशमुख से लेकर राम मंदिर पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर BJP के करीब आ गई। नरेंद्र पाठक तो महाराष्ट्र में ABBP के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मराठी एक्टर राहुल सोलापुरकर BJP के खासे करीबी हैं और बीते विधानसभा चुनाव में कोल्हापुर से टिकट भी चाहते थे। और शैलेंद्र गुप्ता ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे गढ़ते हुए एक शॉर्ट फिल्म ही बना दी। चाहे अडूर जी हो, चाहे श्याम बेनेगल जी हो, हमें हमेशा होता रहता है प्रोटेस्ट। हम स्टूडेंट्स हैं, हम अपनी मांग के अनुरूप प्रोटेस्ट करते रहेंगे। UR अनंत मूर्ति जी के टाइम में भी। इस देश का सच वाकई यही है कि हर पिक्चर पूरी नहीं है, बाकी ही है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।